हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 11th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 5, दैट इज मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ताकि वीडियो क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं। ऑलरेडी इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज अपलोडेड हैं, क्वेश्चन आंसर के, इंग्लिश के राइटिंग स्किल के, हिंदी के राइटिंग स्किल के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, और अलग अलग प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं, आप चेक कीजिए। ओके, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस चैप्टर के लिए, मैं वो सारे प्रोवाइड करती जा रही हूँ। हिंदी मराठी का आ रहा था मुझे कमेंट, मैंने उसके भी अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए, आप चेक कर सकते हो। कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है, तो ये इसकी काव्य विधा क्या है, साखी। साखी क्या है, साक्षी का ही अपभ्रंश है, जो वस्तुतः दोहा छंदों में लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्षी, प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। विषय प्रवेश क्या है, विषय प्रवेश है प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर पूजन के लिए बाह्य संसाधन यानी एक्सटीरियर रिसोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के अलावा सांसारिक अंधकार को दूर करने वाला अन्य कोई नहीं है। बात तो एकदम सही है, ठीक है। और हमें पता है कि जो भी इस तरीके के रहे हैं संत लोग, उनकी उनके काव्य में, उनके काव्यों में, उनकी कविताओं में, दोहा में, सब सब में यही चीज़ें मिलती हैं हमें। हार्डवर्ड की मीनिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए कुछ भी यहाँ पे लर्न करना हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है और नॉर्मल हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन का वीडियो ये नहीं है, जस्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ। ओके, कविता का जो भावार्थ है वो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे देखिए, समझिए। ओके, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैं आपको पूरा पूरा पेज भी दिखाती हूँ, ताकि अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है, तो आप लिख सकते हो। और मैं पूरा पूरा पेज भी यहाँ पे शो कर रही हूँ, ताकि जिनका जिनको अगर दिखने में प्रॉब्लम है, जिनका फ़ोन, किसी किसी का छोटा होता है, किसी का फ़ोन बड़ा होता है, कोई लैपटॉप में देखता है, मैं इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको पेजेस शो कर रही हूँ। पद्यांश की प्रथम दो साखियों का भावार्थ लिखिए, पद्यांश की प्रथम दो साखियों का, तो अभी टेक्स्ट बुक तो है नहीं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए कि जो आपकी कविता है, प्रथम दो साखी जो है, उसके दो लाइन होंगे या जो दो साखी होंगे, उसका भावार्थ है ये, मैच भी कर लेना आप। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, माया रस, राम रस। माया रस क्या है, जो चैप्टर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, माया रस है पत्थर जैसा हृदय, और राम रस क्या है, मक्खन जैसा हृदय, मक्खन जैसा, बिल्कुल सही बात है। माया के भ्रम में पत्थर जैसा ही हृदय है उसका, और राम रस कैसा है, मक्खन जैसा हृदय, बहुत ही कोमल। सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, जैसे देखिए पाती प्रेम की, और दूसरा है साईं काहे को दुख दीजिए, दूसरा है बिरला। इस तरीके से दोनों को बनाना है। पहला कैसे बनाया, प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ पाता है, ये प्रेम की पाती बिरला इसका आएगा। मूर्ख तू क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी प्राणियों में निवास करता है, तो यही है, काहे को दुख दीजिए, साईं, साईं यानी प्रभु भगवान। साई का मतलब यहाँ पे हम हमेशा सिर्फ साई बाबा की बात नहीं करते हैं, ठीक है, साई यानी भगवान की बात की जाती है। अब ये जो लाइन दिया गया है, इस पंक्ति का भावार्थ, भाव एक्चुअली तो यहाँ पे दिया गया है, और इस लाइन का जो है यहाँ से यहाँ तक उसका ये दिया हुआ है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, शुद्ध करके वाक्य लिखने हैं, तो जैसे बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि बाबू जो लिखा है वो रॉन्ग है, तो उसको यहाँ पे सही करके अंडरलाइन करके दिया हुआ है। मुझ पर, तो यहाँ पे जो मुझ पे बोला गया है वो रॉन्ग है, तो मुझ पर होगा। उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था, तो करना थोड़ी होता है, करनी चाहिए थी ना।
तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। और शक्ति ऐसा नहीं लिखते, वो हम मराठी में लिखते हैं शायद, ऐसा हिंदी में तो ऐसा लिखते हैं, तुम्हारे उसे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास हो गया, तुम्हारी शक्ति होता है। आगे देखते हैं उसी चैप्टर का, ये आ वाला है, वो अ वाला था, ये आ बाल लीला, इसे लिखा है संत सूरदास जी ने। पूरा यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड की मीनिंग दिया हुआ है। पूरा चैप्टर की जो व्याख्या है वो दिया गया है। पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ दिया गया, यहाँ से यहाँ तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो उसके आंसर्स दिए गए हैं। उसके बाद आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, गहि आन्य वह चंद दिखावे, अब इसका क्या आशय है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये तो बहुत बचपन में भी कहानियाँ सुनी है, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चांद के साथ खेलना है, चांद के साथ खेलना है। तो परेशान होकर यशोदा मैया क्या करती हैं, वो परात में लाके पानी रख के देती हैं और वो चांद दिखता है परछाई। तो फिर वो बार बार उसको पकड़ना चाहते हैं पर वो तो हाथ में आता नहीं है। उसके बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं, पुराने टाइम में लोग गाते भी थे, ठीक है। पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो जो पद्यांश ये वाला है ना, यहाँ पे ये बार बार से लेके यहाँ से यहाँ तक, उसी का बोला गया है भावार्थ लिखने के लिए। अब दूसरा यहाँ पे ये पद्यांश दिया गया है और उसके अनुसार आपको कृतियाँ की करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन, और फिर जो ये पद्यांश दिया गया है, उठिए श्याम और पनवारों पावों, तो उसका यहाँ पे उसका भावार्थ ये वाला है। आप बुक में देखिए, मैच कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया ये लाइन, जलपुट आनी धरिन पर राख्यो, गई आन्य वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्कानो, बार बार दो करनावे। वही बोल रही है यहाँ पे कि सूरदास इसमें कहते हैं कि यशोदा हाथ में पानी का बर्तन उठाकर लाई है, वे चंद्रमा से कहती हैं कि तुम शरीर धारण कराओ। फिर उन्होंने जल का पात्र भूमि पर रख दिया और श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं वह चंद्रमा पकड़ लाई हूँ। तब सूरदास के प्रभु कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराते हुए उस पात्र को बार बार दोनों हाथ चालने लगे। कितनी सुंदर कल्पना है की है यहाँ सूरदास जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों पसंद आया है, तो ये यहाँ दिया हुआ है। अब हास्य कौन सा रस है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए हास्य रस ये दिया हुआ है। जैसे ये देखिए, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो ये हास्य ही है ना, कि ऐसा वीर है कि जो पापड़ तोड़ने की बात कर रहा है, जो तो सिर्फ ऐसे उंगली से ही टूट जाए, कागज मरोड़ सकता हूँ वो किसके लिए, वो तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, तो इसमें वीरता की क्या बात है। तो ये हास्य है, ठीक है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी कि ऐसा गा रहा था कि सारे के सारे जो ऑडियंस थी धीरे धीरे खिसक गई, ठीक है। तो अभी वात्सल्य क्या है, जैसे अभी हमने देखा वो वात्सल्य वाला था, और ये राम जी का जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, ठुमक चढ़त रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय गिरत भूमि लपटाए, बहुत अच्छी अच्छी ये है। मुझे तो ये लाइन भी बहुत अच्छी लगती है, ये वाला कितना, मतलब कितना प्यारा है ये। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है कॉमेंट से पूछिए, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए। SPOC का तो मैंने कुछ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मिल जाएगा, जो मुझे कमेंट्स आए थे कुछ लास्ट ईयर या उसके पहले के, तो मैंने प्रोवाइड किए थे। तो आप अभी आपको कोई भी चैप्टर्स के चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप बताइए।